हम कहे अगर अखिलेश बाबू खुश करा चाहे मथुरा में मस्जिद गिरवा को नौ हिंदू के चाहते बन जाए वो मंदिर बनवाओ चाहे नहीं करवा ये कोई नहीं कर पाया चमकेगी राम नहीं चमकेगी जय श्री राम ए उनके पिताजी रहे गाड़ पे गोली मराई तो रहे अरे भाई उन्हीं के लड़के हैं गांव पर गोली पड़ी रहा अयोध्या जाने के लोग तैयार नहीं थे कभी वो शिक्षक रहा करते थे मुलायम सिंह यादव जी शिक्षक थे और आज उनका परिवार हजारों करोड़ में खेल रहा और मैं गोमती नगर में रहता हूँ मैं वहाँ पे देखता हूँ कि उनके छोटे पुत्र नाम प्रतीक यादव जी का कितना बड़ा सा जिम है 5 स्टार होटल फेल है उसके आगे अखिलेश सरकार में गाय कटत रहे और धड़ाके गांव गांव बेचत रहा यूं नहीं होती इससे हमका हमारा फसल चर जात हम बाढ़ लगवा ले हम बहुत खुश हैं भैया अब इस बार तो जिले की सभी सीटों पे हिलेगा लोग कहते हैं कि इस सरकार में विकास नहीं हुआ विपक्ष भी लगातार बहुत विकास हुआ हम आपको बता दें दो दो 4 लाइन और 6 लाइन निकल गए बाराबंकी से दो दो एक्सप्रेस वे पूर्वांचल एक्सप्रेस से एक्सप्रेस निकला है तो उस पर भी सियासी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे निकला है तो उससे ग्रामीण क्षेत्रों को काफी लाभ होने वाला है वहाँ पार्टी का कहना था कि प्रोजेक्ट हमारा था फीता भाजपा तो मायावती जी तो कहती हैं कि हमने यमुना एक्सप्रेस वे बनवाया था शुरुआत तो हम ही ने की थी अप्रूवल नहीं दिया लोगों ने ये तो सब मुद्दे हैं लोगों के अच्छा लेकिन जो उद्घाटन करेगा जिसके समय में काम पूरा होगा उसी का माना जाएगा क्या लगता है 22 में 22 के लिए फिर कमल नहीं कमल खिलेगा अभी तक अगर बात की जाए तो यूपी में जो है 35 वर्ष से दोबारा कोई रिपीटेड मुख्यमंत्री नहीं हुआ है नहीं सब इतिहास टूटेंगे इस बार माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पुनः भाजपा की सरकार बनेगी दादा क्या नाम है आपका बैजनाथ मौर्य क्या लग रहा है माहौल क्या चल रहा है इसमें माहौल अच्छा भाजपा का चल रहा है जी बहुत दूर से पैदल हम लोग आ रहे हैं आप नहीं नहीं बस यही 1.5 किलोमीटर से आ रहे हैं जी हाँ जी 1.5 किलोमीटर से जी क्या लग रहा है किन मुद्दों पर इस बार भाजपा को समर्थित कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दों पे जो है 2022 का चुनाव जीतेगी दादा क्या नाम है सुशील राम साहब टोपी भी लगाए हो एकदम अजय साहब मिली है तो लगा हुए करो मैं अच्छा तो आप ये बताइए कि इस सरकार से खुश हैं हाँ खुश हूं साहब कहाँ से आए हो ये बताओ हम आए हैदरगढ़ विधानसभा से साहब बहुत लंबे से चले आओ हाँ साहब बिल्कुल खेती होती है नहीं दादा अरे है 2-4 बीघा साहब 2-4 बीघा है तो मिल रहा कुछ हाँ मिल रहा है मेरा सब कुछ मिल रहा है तो किसान नाराज है सरकार में आप बताओ अरे साहब नाराजगी तो कौन सुला कह पाए कौन दे पाए नाराजगी का हाँ कुछ नाराज रही है कुछ खुश रही है तो 22 में कहा चली 22 के लिए फिर कमल हाँ साहब कमल तो बहुत दिन तक है बरकत का निशान रहा तब हम 5 जन साहब अच्छा कमल पर हाँ का तो आप खुश है सरकार हाँ, से तो हम तुम खुश हैं साहब अन्य सरकारों से कहे नहीं खुश हैं अरे अब वाले सरकार को वहाँ का देख लेना अब यहाँ का देख रहे हैं तो यही पर हमका कुछ एक देखा साढ़े 4 साल तो आप देखे हो हैं हाँ साहब हैं साढ़े 4 साल तो आप देखे हो हैं हाँ। काम से खुश हो काम खुश हूँ साहब तुम्हारा यहाँ हरहा बछेड़ू छोड़ा दिन गए हैं हाँ यह है किसान अरे हरहा बछेड़ू को छोड़ा था या बताओ अरे हम हैं तमाम से छोड़े थे हाँ तो फिर अब कुछ हरहान के बदल भी चलिए हमारे भाई दादा हैं दादा आइए आप बहुत देर से आप गुस्सा लग रहे हो क्या बात है क्या कह रहे हो बताओ आपसे कहे गुस्सा नहीं हमसे नहीं गुस्सा बहुत तेज बोलते रहो क्या मतलब तेज इसलिए बोल रहे हैं हाँ। कि मतलब अब कुछ कमी नहीं कोनो राम मंदिर बन गया नंबर एक हाँ बन गया कि नहीं बन गया अब निर्माण कार्य शुरू हुआ है तो बन गया न्यू पड़ गए अच्छा न्यू पड़ गए बन गए बन गया समझो अब विश्वास है कि बन गया महीना में 2 बार राशन मिला था कब तक खाई हो अब इस समय जब तक सरकार आगे फी बढ़ाई हाँ। बढ़ी सरकार बनी हो सब लोग तो बनाई अच्छा यही सरकार में तो 2 बार मिला कब और एक को बार मिला कोरोना भी तो यही सरकार में आवा रहा है तो कोरोना तो स्कूल में पति पत्नी लड़का लेकर सोए न खाए हाँ। कौन दिक्कत भाई कोरोना में कोई दिक्कत तो नहीं भाई डोज लगवाओ वैक्सीन के हाँ दोनों डोज लगी पैसा देगी कि निःशुल्क निःशुल्क एक भाई पैसा नहीं पड़ा अच्छा अच्छा आप बताइए 22 में 22 के लिए फिर टोपी लगाओ लग रहा है कमले खिली गए टोपी पहले लग गया का हम कोनो शक है का आपका नहीं कुछ लोग टोपी लगाए के बाद में उतार दिया था नहीं कोई शक है का है? शक है का अब या तो आप बताइए ना नहीं कोई शक नहीं ये विपक्ष वाले कह रहे हैं कि अब की देखो डॉक्टर विपक्ष रहा ही नहीं हाँ। चाचा अलग पित्ती अलग भतीजा अलग कौन विपक्ष अरे भी रैली कर रहे हैं विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं अखिलेश से तो लाखों की संख्या में लोग नजर आदमी लाखों की संख्या काम नहीं करती जब हाँ। आपका भाई अलग होगा तो आप मार खा जाएंगे इसमें दो रिया नहीं कहीं लड़ाई हुई हो और आप बताइए कि अगर दो भाई हैं अलग अलग हैं कोई भाई अकेले जीता हो एक भी बताइए अच्छा आखिर योगी ही जी क्यों आखिर वो संत है हाँ। देश के लिए मरता है अपने लिए नहीं हाँ। देश के जनता के लिए मरता है जो कहता वही करता है अखिलेश यादव भी कहीं नाम किसान के लिए बेरोजगारन के लिए बहुत कुछ किया रहा है हाँ। वो हिंदू नाम की बात ही नहीं करते हिंदू तो हैं वो कहते हैं हिंदू कैसे हैं वो हिंदू की बातें नहीं करते हाँ। हम लोग वो हिंदू की बात ही नहीं करते हाँ। अगर बात करें तो सत्ता में आ जाए वो हिंदू कहाँ है
खुद कहते हैं हिंदू हैं, कहने थोड़ो हिंदू होता। ये भी कहते अगर सरकार हमारी होती। कई बार अयोध्या गए हिंदुओं के? अयोध्या वो कई बार अयोध्या गए? वो कहे कि अगर मेरी सरकार होती तो हम भी निर्माण कार्य शुरू कराते राम मंदिर। रहे उनके पिताजी रहे गाड़ पर गोली मराइन तो रहे। अरे भाई उन्हीं के तो लड़के हैं, गांव पर गोली पड़ी रहा है, अयोध्या जाने के लोग तैयार नहीं थे और वो ये बात कहते तो निराधार कैसे बात मानी जाएगी? आप जरा आप ही बताइए, आप तो पत्रकार महोदय आप ही बताइए, जिसका बाप गांव पर गोली मराए हो लड़का उस अयोध्या बना देगा? कहाँ लिखा है आप बताइए? उस समय बताया लाइन ऑर्डर था, स्थिति बिगड़ रही थी तब हुआ था। का? बता रहे लाइन ऑर्डर था, स्थिति बिगड़ रही। जो लोग कहते हैं योगी जी ने जो कहा वो किया, वो कभी ना कहा है। क्या किया? अच्छा योगी जी ने नंबर एक हिंदुओं को कुछ नहीं चाहिए अयोध्या राम मंदिर। अगर असली हिंदू है तो राम भक्त है। हम लोग दस दिन नौरता बरते किस लिए रहे? राम के लिए रहते हैं। 10 दिन खाना नहीं खाते हैं तो हमको कुछ नहीं। पेट्रोल 200 रुपया लीटर मिला लेकिन भाजपा सरकार बनेगी कोई दिक्कत नहीं। खेती होती है कि नहीं दादा? 10 बीघा पक्का है। पक्का है 10 बीघा अकेले हमारे 500 में बिके उससे मतलब नहीं। पर लोग परेशान है पेट्रोल महंगाई महंगाई। अपने पिता से अपने गार्जियन से हर लोग नहीं रुक जाओ। जो अपना गार्जियन होता है अधिकार है वो हमारे गार्जियन है। कहेंगे गुस्साएंगे अलग जाए लेकिन अलग थोड़ो चले जाएंगे। वोट भाजपा में ही रहेगी। हिंदू अगर है तो वोट भाजपा में रहेगी। अच्छा बहन जी के बारे में क्या कहेंगे आप? मायावती जी, मायावती जी तो खुद चाहती हैं योगी जी मुख्यमंत्री बने। वो तो ऐसे गाय आपसे फोन से बात। हाँ हाँ बराबर बात चलती है इसलिए रुक जाइए। आप लोग फोन से इसलिए बात किया कि भाजपा की ये देन है। 3 बार मुख्यमंत्री भाजपा वालों ने उन्हें बनवाया, इसलिए अगर समय पड़ी तो बहन जी मुख्यमंत्री योगी जी को बनवाएंगे। जब वो साथ दे चुके हैं भाजपा की बदौलत मुख्यमंत्री बन चुकी हैं तो कहाँ जाएंगे। अच्छा, ये चुनाव जातिवाद को लेकर होता क्या? जातिवाद होता क्या विधानसभा? हिंदू जातिवाद नहीं। हिंदू चुनाव हिंदू से होगा, जात से नहीं। हाँ, सब लोग हिंदू हैं, हिंदू को वोट देंगे। अच्छा हाँ, नहीं लोग कहते हैं कि जातिवाद का चुनाव ये तो बहकावा, विपक्ष का बहकावा है कि वो यादव हैं, वो मुसलमान हैं, वो हिंदू हैं, लेकिन जो हिंदू असली है तो एक है, हिंदू का वोट एक जगह जाएगा। अच्छा, कांग्रेस अभी 40% महिलाओं को टिकट दे रही है और बिजली का बिल कर्जा माफ बता रही है। बिजली का बिल हाफ, कर्जा माफ। आप बताइए, कांग्रेस कहते कि जो हम कहते कहते वो करते भी। आप एक बात बताइए पहले, महिलाएं पुरुषों के अंडर में है कि पुरुष महिलाओं के अंडर में? हम लोगों के अंडर में महिलाएं हैं, चाहे जितना करे हैं और रहेंगी। प्रियंका गांधी ने ऐलान किया मेरा काम, प्रियंका गांधी मेरे अंडर में है, हम कहेंगे वो करेंगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुका कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुका आप? हम नहीं। तो फिर कैसे अंडर में? हम हिंदू हैं, आपसे बात बताए। हम किसी अध्यक्ष नहीं है, ना उपाध्यक्ष है, ना हम इंसान हैं। हम मानव का शरीर धरे हैं। मैं हिंदू हूँ अयोध्या के नाम। अच्छा, विकास हुए चाहे ना हुए लेकिन हिंदू। विकास तो हुआ करी, विकास तो हो ही रहा। विकास क्यों नहीं हुआ? विकास कहाँ पे नहीं हुआ? अरे ये तो विपक्ष के कहने की बात थोड़ी होती है। ये एक चीज बताइए, आज की तारीख में हिंदुस्तान की इकोनॉमी, जीडीपी बताइए, या रक्षा, जो हम लोग बॉर्डर पर जितनी बड़ी प्रॉब्लम थी, जो योगी जिसके जो हम कह, अगर आपके परिवार में गांव में अगर कोई भी बंदा मिलिट्री में हो, आज उससे पूछिए कि इस सरकार के अंदर भारत की सुरक्षा का क्या पोजीशन है। आज 35 देशों में हिंदुस्तान हथियार सप्लाई कर रहा है। आज हम लोग की शक्ति में योगी जी को, मोदी जी को कौन सुन नहीं रहा है? अगर योगी जी बेईमान हैं तो, अगर गड़बड़ हैं तो ये बताइए कि हिंदुस्तान में इतने सारे मुख्यमंत्री सबसे ऊपर आप लोग सर्वे करवाते हैं और योगी जी का नाम सबसे ऊपर क्यों आता है? आप जाइए योगी, नहीं हम सर्वे करते, जनता बताती है। जनता सर्वे करती, आप भाई पत्रकार ही तो सर्वे करता है ना, बिल्कुल। तो वही पेश करके जो जनता ने पेश किया कि नहीं योगी जी दिस बेटर। आप जाइए 95% लोग महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा योगी को पसंद करते हैं। किस लिए? व्हाई? आप बताइए ना, आप बताओ ना, आप लोग तो सर्वे करते हैं, आप बताओ किस लिए? क्योंकि योगी जी स्टेट फॉरवर्ड आर्मी है, जो कहते हैं उस पर स्टंट करते हैं। हम करें योगी जी के पूरा क्या कहते हैं वो बैकग्राउंड चेक कर लिए, योगी और मोदी जी का कोई हैसियत नहीं है, प्रधान सचिव की हैसियत है। क्या नहीं कर रहे हैं यार देश के लिए, सबसे ज्यादा देश यार समाजवादी पार्टी की, हमने बहुत किया, 100 नंबर डायल, एम्बुलेंस सेवा सब कराई। एक मिनट एक मिनट, जिसका जो समय था उसने जो किया सरकार, तो 22 में 22 के लिए फिर कमल नहीं, अब तो ऑलरेडी कमल ही जाना है। अच्छा, एक बार और देखा जाएगा। साइकिल नहीं दौड़ेगी? साइकिल तो योगी बाबा जिंदाबाद। अगर साइकिल दौड़ती, अगर साइकिल दौड़ती, देखिए सपा और बसपा ने खाली जातिवाद का राजनीति किया, इसीलिए उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य रहा कि जब चुनाव आता, जब ठाकुर याद आ जाते, पंडित याद आता, यादव याद आ जाते। हम कहें मोहंडम में कभी याद आया हो बताइए,
क्या उसमें नहीं है एससी जाते हैं? उसमें कहीं नहीं होते, वहाँ कौमी एकता की बात होती। 19% मुस्लिम है, 89% हिंदू, उसकी कोई नहीं बात कर रहा है यार। हम कह रहे यही बात है तो मथुरा की बात करो ना कि मथुरा बनेगा मंदिर। योगी जी तो कहते हैं कि हम राम मंदिर बनवाएं, मथुरा बनवाएंगे, तो क्या बुरा हो गया यार? पूरे हम कह रहे हैं आप इटालियन जितने क्रिश्चियन वो क्रिश्चियन की बात कर रहे हैं, जितने मोहम्मदन मुस्लिम देश हैं वो मुस्लिम देश की बात कर रहे हैं, तो अगर योगी जी और मोदी जी हिंदुत्व की बात कर रहे हैं तो कौन सा बुरा बात कर रहे हैं यार? कांग्रेस जो है इस बार प्रियंका के सहारे चुनाव लड़ रही है, तो कितना फायदा है? प्रियंका जी पहले भी आई थी, लोकसभा में भी आई थी, उनके सहारे उसका आपने देख ही लिया और अभी आपको भी पता चल जाएगा। इस बार उसने मैनिफेस्टो अपना बदला है। मैनोफेस्टो तो किसी को नहीं पता है, ऑलरेडी जो जमीन पे है। कांग्रेस कहते जो हम कहते वो करते हैं नहीं, हम ये कहते हैं कि जो मोदी और योगी जी कहते हैं वो करके दिखाते हैं और होता है। 66 साल राज किया है और जो किया नहीं आप बताइए। हाँ, वो आप लोगों के सामने सभी लोग जी बताइए। और का पुल था, कितना किसान यूनियन जल समाधि ले रहा था, उसका सतीश शर्मा जी ने करवाया। हमारे यहाँ स्वासा का घाट तो सतीश शर्मा जी ने कहा, क्या कहते हैं खेल का मैदान बनवाया, कहना बस अड्डे का निर्माण, 5-5 पुल बन गए यार इस सरकार में, और हम लोगों को क्या चाहिए? जो 35 साल से दरियाबाद विधानसभा पर एक छत्र राज था किसी एक विधायक का, जो मंत्री भी बने हैं और उसके बाद भी विधायक के, आप सब लोग यहीं के हैं, सब लोग हम लोग स्थानीय हैं, आप सब लोगों को पता होगा कि विकास कहां तक हुआ है। और अगर मंत्री होते हुए उन्होंने एक रास्ता एक सही से गांव के संपर्क मार्ग को जोड़ने का काम नहीं किया था, गाँव में ACC रोड नल निर्माण मतलब किसी भी तरह का विकास नहीं हुआ था, आज आप देखिए जा करके जमीनी स्तर पर विकास हो रहा है। और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूंजी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है जमीनी स्तर पे। लोग कहते हैं हमने 5 साल, हमने लोगों को 10-10 साल 15-15 35-35 साल दिए हैं, बहुत सारी सरकारें रहीं। अरे एक बार और देखिए आप, 5 साल हमने एक पेड़ लगाया पौधा लगाया, उसमें फल होने के लिए मुझे समय देना पड़ेगा। और आप सब हम सब लोग 2022 में फिर से पूंजी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बता रहे हैं योगी बाबा इस सरकार में अफसरशाही हावी थी, अफसरशाही हावी थी। अगर किसी गरीब से आप ऐसे जनप्रतिनिधियों की सुनी नहीं जा रही थी, नहीं ये तो नहीं नहीं, आप गरीबों से पूछिए, जनप्रतिनिधि की नहीं सुनी हो सकता, जनप्रतिनिधि अपने तरीके से काम कराना चाह रहे थे इसलिए नहीं सुनी जा रही थी। आप गरीबों से पूछिए, किसी को अफसरशाही में किसी को कोई समस्या हो, आज राशन बंट रहा है तो उसका एक पर्टिकुलर टाइम और डेट फिक्स है, पहले तो कोटेदार वापस कर देता था, आज पता है कि 5 तारीख से 20 तारीख तक मुझे मिलेगा, 15 तारीख तक मुझे अंगूठा लगा के मिलेगा, 16 तारीख से मुझे फोन पे OTP दे करके मिलेगा, आज मुझे पेंशन पता है, योगी जी बताते हैं 15 तारीख को, आज बता दिया गया है कि कृषि सम्मान निधि 15 दिसंबर तक की आ जाएगी, अभी फॉर्म कंप्लीट ने 29 नवंबर तक की फॉर्म की स्कॉलरशिप के भरने का समय दिया था और पहली बार में 12 लाख कुछ छात्रों के जारी कर दिया गया स्कॉलरशिप। क्या करते हैं आप? जी मैं तो बस समाज सेवक हूँ, अपने जीविका चलाने के लिए छोटा मोटा काम करता हूँ और आप सबकी सेवा में लगा रहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हूँ, सपोर्टर हूँ। भारतीय जनता पार्टी नहीं, नहीं भारतीय जनता प्रवक्ता नहीं हूँ भाई साहब, प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं भी एक सामान्य नागरिक हूँ। आप सब खुश हैं? आप बिल्कुल, हम सब लोग खुश होंगे, किसानों हमें हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ पर जितना जनसमूह उपस्थित है ये सभी लोग इस समय भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से संतुष्ट होंगे। तो बदलाव होगा कि या फिर नहीं? नहीं नहीं, यही सरकार कंटिन्यू होगी, यही सरकार कंटिन्यू होगी। 2024 के बाद में एक नया प्रधानमंत्री हो सकता है, प्रधानमंत्री जी ने जो कह रखा है कि एक समय के बाद हम प्रधानमंत्री पद त्याग कर देंगे, तो एक नया प्रधानमंत्री देश देखेगा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, और पूंजी योगी आदित्यनाथ फिर से 2022 में पूरी बहुमत के साथ में सरकार बनाएंगे, 300+ सीटें आएंगी। जो एक गठबंधन हो रहा है समाजवादी पार्टी, सभी पार्टी गठबंधन कर रही भाजपा को घेरने के लिए, इसके पहले भी उन्होंने लोकसभा में BSP से गठबंधन किया था और उनकी खुद की परिवार की 2-3 सीटें रह गई थी, आप सब लोगों ने देखा है। उसके बाद उन्होंने विधानसभा चुनाव में जो पार्टियां नेस्ता नाबूद हो गए उनसे गठबंधन आप कर रहे हैं, आपका क्या वजूद होगा आप खुद ही जान सकते हैं। हम आगे बढ़ते सपा भी दावा करें इस बार 300 पार हम भी कह रहे हैं कि हम भी इस बार विधायक बन जाएंगे, हम भी विधायक बन जाएंगे। मेरे अभी आपने आवेदन नहीं किया होगा ना? नहीं हमने आवेदन नहीं किया, हम तो प्रयास तो कर रहे हैं, हम इसलिए मीटिंग में सब जगह आ जा रहे हैं। हम भी चाहते हैं विधायक बन जाएंगे, अगर हमारे अंदर वो क्षमता होगी, गुण होगी तो बनेंगे, अगर ये जनता ये समूह चाहेगा तो बनेंगे, और नहीं तो सतीश शर्मा यहाँ दरियाबाद विधानसभा से, सतीश शर्मा जिंदाबाद है, और उत्तर प्रदेश में सतीश शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और केंद्र में भी 2024 में हम फिर से केंद्रीय सरकार में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक नई सरकार। अब देखिए दरियाबाद विधानसभा में उन्होंने कितना काम दिया है, और उसमें एक 18 लाख की एक हमारे गांव का संपर्क मार्ग भी है,
उसमें हम तेलमा ग्राम पंचायत के सुरजवापुर मजरे से हैं, वहाँ पे 18 लाख का उन्होंने मुझे भी गांव दिया, जो हम 40 साल से 50 साल से हम लोगों को आज तक की संपर्क मार्ग नहीं था। कि गौकसी नहीं हुआ था उत्तर प्रदेश में, गाय का अटैक अवसर नहीं है, और लेकिन लोग कहा कि यहाँ योगी जी की गाय जो परेशान करे, परेशान तो पैदा हो जाते हैं, हम लोग बर्दाश्त कर, गाय कटाई ना चढ़ जाते तो हम लोग अपन बाढ़ लगा लेंगे। अच्छा, हम खुश हैं। खुश हैं, हाँ। किसान सम्मान निधि मिला था तो जैसे मरे वाले के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल जाते है, हम लोग फिर से जिंदा हो, बहुत खुश हैं जिंदगी में। अगर योगी मोदी जिंदाबाद रहे हम लोग खुश हैं। ऐसा नहीं ना दादा, रैली में आए तो बखान कर रहे हो, ऐसी बात नहीं दादा, दिल से बिल्कुल हम खुश हैं और बहुत दिन से यही से। कहाँ से आ रहे हो दादा? हम दादा रहे थे इधर देवकली। कितनी दूर है यहाँ से? अरे यहाँ से है करीब 10 किलोमीटर। तो कोई बुलाए इसके, अपने आप आए हो? हम अपने आप आए, अपनी साइकिल से आए हैं। साइकिल से? और का साइकिल दौड़ी का भाई? अरे नहीं, हमारा साधन है भैया। हाँ। कोई से हमसे खर्चा नहीं मिला कि डीजल पार्टी के कार्यकर्ताओं की ये पूरी निष्ठा है, पार्टी के प्रति ये निष्ठा है, साइकिल से 10 किलोमीटर दूर से चल के चले आ रहे हैं, ये पार्टी की निष्ठा है। पार्टी है कि हमारे यूपी में गाय का अटैक लेसन नहीं रहा है, अखिलेश सरकार में गाय कटत रहे और धड़ाके गाँव गाँव बेचत रहा, यूँ नहीं होती, इससे हमका हमारे फसल चढ़ जाए, हम बाढ़ लगवा ले। हम बहुत खुश हैं भैया। मुलायम जी थे, उनको धरती पुत्र कहा गया, कुछ अच्छे काम उनके दौर में हुए, एक सम्मानजनक राजनीति हुआ करती थी। उसके बाद जो पिछले 5 साल रहे 2012 से 17 तक, गुंडागर्दी, हमारे पुलिस प्रशासन को लोग कालर तक पकड़ लेते थे, उनसे छीना झपटी, छोटे छोटे नेता। लेकिन विपक्ष कहता कि भ्रष्टाचार और गुंडाराज इस सरकार में ज्यादा बढ़ गया है। ये तो सब ये आप सब देखिए, हम कह रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। आप जमीनी स्तर पर बताइए, 2-2 लाख करोड़ रुपए का 2G 3G घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ, उनको 12 लाख जमीन, कितनी जमीनें उन लोगों ने बना ली, परिवारवाद कितना बड़ा, हजारों करोड़ रुपए का। कभी वो शिक्षक रहा करते थे, मुलायम सिंह यादव जी शिक्षक थे, और आज उनका परिवार हजारों करोड़ में खेल रहा, और मैं गोमती नगर में रहता हूँ, मैं वहाँ पे देखता हूँ कि उनके छोटे पुत्र नाम प्रतीक यादव जी का कितना बड़ा सा जिम है, 5-स्टार होटल फेल है उसके आगे। आप बताइए कैसे एक शिक्षक के पास इतनी धन दौलत कहाँ से आ गया? अगर सेवा उनको करनी थी, अगर वो राजनीतिक सेवा सेवक थे तो इतना पैसा कहाँ से आया उनके पास में? देखिए, हमारे माननीय सतीश शर्मा जी जो दरिया विधानसभा के क्षेत्र के हैं, ये हमारे जो विधायक जी हैं सतीश शर्मा जी, ये इतने लोकप्रिय, इतने जननेता, इतने विधायक हमारे क्षेत्र में होना मुश्किल है, क्योंकि हमारा घर पड़ता है इटोरा ग्राम सभा दरियाबाद विधानसभा, और उनका घर पड़ता है नसी नगर। बताइए, इस रेंज से लगा के पूरे क्षेत्र में भ्रमण करते रहते हैं, और पूरा 4.5 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला माननीय श्री सतीश शर्मा जी क्षेत्र में, क्षेत्र के लोगों के प्रति, लोगों के एक आदमी बुलाए, भाई भैया जी आप आइए, हमारे यहाँ प्रोग्राम है, हमारा कार्यक्रम है, आप इसको सफल बनाइए। हमारे सतीश शर्मा जी ऐसे एक विधायक है जो कि पूरे उसमें नहीं, पूरा समय अपना क्षेत्र में देते हैं, और मैं साइकिल से आया हूँ, बुलाया हूँ, कोई लालच नहीं है, साइकिल चला रहे दादा जी, एक भी पैसे का लालच नहीं है, हमें कुछ नहीं मिलता है, लेकिन ऐसी सरकार होना दुर्लभ है, क्योंकि ये जो सरकार है, ये देखिए, शौचालय का प्रयोग कार्यक्रम है, और कॉलोनियों का विकास जो प्रधानमंत्री आवास है, इन सब के प्रति में हिंदू हो या मने पार्टी हो या चमार हो या ब्राह्मण हो या ठाकुर हो, मैं ब्राह्मण हूँ, बहुत गरीब हूँ, मेरे 4 कन्या हैं, लेकिन मुझे कुछ नहीं, लेकिन हमारे माननीय श्री दिलीप कुमार मिश्रा जी हैं, पवन जी हैं, ये सब हैं हमारे चेयरमैन टिकैन नगर के, जगदीश प्रसाद मौर्य जी हैं, जगदीश प्रसाद जी हैं, हम लोग इन लोगों से खुश हैं, और अपनी गरीबता दलिदता ये कोई नहीं दूर। हम कहे अगर अखिलेश बाबू खुश करा चाहे मथुरा में मस्जिद गिरवा को नो हिंदू के चाहते बन जाए, वो मंदिर बनवा, चाहे नहीं करवा, ये कोई नहीं कर पाया। चमके जी राम नगरी, चमके जी जय जी राम, हम चमके, हम तो जमीन पे चलेंगे, गरीबी हमारी नहीं दूर होगी। रैली में भैया कहे पैदल चल के रैली में जा, अजीब है, हम लोग 14 कोसी के नहीं रही, पैदल है तो चलो हुआ का। इतनी भीड़ तो अखिलेशों की रैली में बहुत, अरे भीड़ नहीं, हवा हो जाए, अंधे मुई का बहना हो जाए, चला देख ली हो, बहुत गौ का। अब लोगों के पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है, अपनी अपनी जवानत बचा में, अपना अपना केवल बात क्या बोले। हाँ सर बताओ, महीन कह रहा हो, बताओ। हाँ बताएंगे, क्या कह रहे हो? अखिलेश सर है, अखिलेश यादव अत्ते जत्ते पब्लिक है, उसको बताओ के दिखाइए जत्ता, ये हमारे अखिलेश यादव के हम लाख
लाखों की संख्या में लोग रहते यार कोई अलग की चीज है, लोग पैदल से आते हैं सब आते हैं लेकिन हम लोग पैदल से नहीं आए। पब्लिक इकट्ठा होना एक अलग की बात है और सीट 54 पाना एक अलग की बात है। यहाँ कितनी पब्लिक आ गई, यहाँ जितनी पब्लिक है ये यहाँ पे कम से कम लाखों की संख्या में पब्लिक है, लाखों की संख्या में पब्लिक है। यहाँ से बताया हम हैदराबाद, ये जनाधार मजबूत जनाधार है, आप ऐसे को देख सकते हैं जो साइकिल दरियाबाद विधानसभा हमारी सतीश शर्मा जी हैं, जितने भी विधायक। मैं पार्टी के प्रति समर्पित हूँ, मैं पार्टी के प्रति निष्ठावान हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के समर्पित। कोई पद है क्या दादा आपका? नहीं कोई पद नहीं है, केवल हमारे उनके चरणों में पद है, हमारे भाजपा में पद है, बाकी मेरा कोई पद नहीं है, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। सपा सरकार का भी दावा, हमने भी किसानों के लिए बहुत कुछ नहीं, किसानों के लिए क्या किया? लोहिया पेंशन, समाजवादी लोहिया पेंशन के कार्यकाल में कांग्रेस ने क्या किया? लोगों को उन्होंने चुनिंदा लोगों को, अपने खास खास लोगों को, चुनिंदा लोगों को लोहिया पेंशन योजना का लाभ मिला था, कार्यकाल बिठा दिया कांग्रेस जी ने। और बताइए कि क्या किया उन्होंने? यही किया कि घूम घुमा के कर्जा माफी कर देंगे, अब हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जीतने के लिए लोगों को कर्जा माफ करें भैया। जौनी बैंक का कर्जा हुई किसान का, कब वो जाते हैं अखिलेश कहने सबका 50-50 हजार माफ कर भाई, और ग्रामीण भूमि विकास का माफ करें जी, मैं किसान जाता ही नहीं है, जाता लिखा पढ़ी में झूठ बोला, वही बिजली वही खम्बा, वही बिजली वही खम्बा, बिजली कत्ती देर आवत रहा है 8 घंटा, अब आवत है 18 घंटा, बिजली मिलत की नहीं? सिंचाई माफ भर है नहीं यार, सिंचाई माफ भर है तो यकीन नहीं कहीं नहीं, लेकिन ये सरकार के बताओ कि कत्ता बढ़िया काम कर की जाओ ना भैया। तेल बाहर से आता है, इसमें मोदी जी का कोई योगदान नहीं, योगी जी का नहीं, बढ़ रही है महंगाई तो बढ़ेगी, कभी 1 रुपया में घी मिलता था, टका पटेरी खाते थे, आज जो महंगाई क्यों गाड़ी से चले, साइकिल से चले, स्वस्थ भी रहेंगे क्यों? बिल्कुल बिल्कुल साइकिल से बिल्कुल, क्यों इतना चौक बढ़ाए कि माथे करना है डाई लगाए, हम ये करें क्यों करें, ऐसा ना करो, शुद्ध रोटी भगवान देगा। मोदी जी इतना राशन दे रहे हैं, अभी देखिए इसी महीने में 5 यूनिट था एक व्यक्ति पे, 10 यूनिट कर दिया। कब तक खाइयो? कब तक नहीं खाएंगे? ये कब तक नहीं खाएंगे? ऐसा करने वाली कोई सरकार होनी चाहिए। खाना तो अपने देखिए, खाना क्यों कोई कोई खिलाता नहीं सर, खाना सब अपनी अपनी भाग्य से खाते हैं। सपा सरकार में सिंचाई होत रहा है, इधर एक तरफ से दियत रहा तो एक तरफ लयु तो लियत रहा। आपका हम लोगन का नरेंद्र कुमार, क्या कहना है आपका? योगी सरकार बहुत अच्छी है और इसको हमेशा चलना चाहिए। इसमें कोई है? खेती है 5 बीघा है, खेती है। अब फूस के छप्पर में रह रहा हूँ। हाँ। अभी कोई छप्पर में रह रहे फिर भी योगी सरकार से खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं, बिल्कुल। आप जब नहर सिंचाई माफ रही, नहर का पानी नहीं रहा, नहरों पानी कहाँ रहा? इनके पिछली सरकार में समर सेबल का बटन दबती हूँ तो उमा पिए भरे पानी नहीं निकल रहा, आता वोल्टेज डाउन रहा। अच्छा वोल्टेज इतना डाउन रहा, तारन की गड़बड़ी रही हुई। अरे अब लोड ज्यादा, लोड ज्यादा रखे रहे वही तार, वही तो है, बदल गए काहे बदल गए? अरे सरकार बदल, डिजिटल इंडिया बन गया है ना, इसे बदल गया। लोग चंदा लगा के ट्रांसफार्मर भैया फिर से मगर ट्रांसफार्मर जल जाता रहा तो चंदा लगाए के भैया फिर से ट्रांसफार्मर गाँव वाले 10-10-20 देखे की अब ट्रांसफार्मर आवे, ये पैसा हमका जाइक दिए के अब ट्रांसफार्मर जो तुम जान लो जब से आएगा तब अब कई दिन में ट्रांसफार्मर बदल जाता अगर बिगड़ जाता है दादा हमारे गाँव बिगड़ पाई नहीं जब से सरकार ऐसा चोर लोग कटिया जला लिया था। अब योगी जी सबके घर में मीटर लगवा दे, सबका LED बल्ब दे, कहीं फ्री में कनेक्शन ले जाओ और लाइट का पेमेंट, बिजली का बिल तो बड़ा महंगा आ जाए, बताओ फ्री कनेक्शन नहीं, यूनिट के हिसाब से आती है, सब बकवास है, ऐसा झूठ है, ये सब झूठ है। आज जो भी काम योगी मोदी की सरकार में हो रहा है वो पूरी तरह से पारदर्शी हो रहा है। पहले हर चीज के लिए लोगों को चक्कर, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे वो पेंशन के लिए हो, किसी भी आवास के लिए हो, हर तरह का बगैर घूस दिए हुए, बगैर किसी तरह से पैसा दिए हुए कोई काम होता नहीं था। आज सब काम बहुत आसानी से बगैर गरीबों की किसी परेशानी से, प्रधान को भी पूरा धन दिया जा रहा है गाँव के विकास के लिए और किसी भी तरह से भेदभाव नहीं। आज बताए यहाँ पर इतने जनमानस है, इसमें बता दिया जाए अगर एक भी हमारे मुस्लिम भाई हैं वो बताएं कि उनको आवास का लाभ नहीं मिला हो, क्या उनको नहीं मिला, क्या उनको डबल राशन मिला था, क्या उनको नहीं मिल रहा है? कोई जात पात नहीं, किसी तरह का भेदभाव नहीं है। और जो भी चीजें अगर विपक्ष कहता है वो मनगढ़ंत कहानियां हैं, वो ग्राउंड लेवल पर जाकर के कोई भी सर्वे नहीं करती, कोई भी काम नहीं करती और सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं वो।